पाठ चौथा पेड़। पाठ परिचय। प्रस्तुत कवि कविता में बताया में पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है। कवि ने बताया है कि पेड़ से हरियाली रहती है और पेड़ों से बारिश आती है। पेड़ पक्षियों के रहने का स्थान है और पेड़ों से बहुत सी उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। संक्षेप में पेड़ धरती के श्रृंगार और सेवा के अवतार हैं। इस पाठ के माध्यम से पेड़ लगाने और उनके संरक्षण के महत्व को समझाया गया है। धरती के श्रृंगार है पेड़, जीवन के आधार है पेड़। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं ये। सरलार्थ। कवि पेड़ की उपयोगिता बताते हुए कहता है कि पेड़ धरती के श्रृंगार है, पेड़ हमारे जीवन के मूल आधार हैं, पेड़ खुद सर्दी और गर्मी सहन करते हैं और हमें छाया देते हैं। इनका महत्व इतना है कि यह एक बिना मुकुट के राजा हैं, राजा के समान है। ये अत्यंत सुंदर, सबके मन को भाने वाले होते हैं। जंगल के परिवार है पेड़, पंछी के घर बार है पेड़। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाली है, ताल तले या सारे भरते। सरलार्थ। पेड़ के बारे में बताते हुए कवि लिखता है कि पेड़ जंगल रूपी समाज के परिवार है, पेड़ पक्षियों के घर बार हैं। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रात में विश्राम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ठंडक होती है, शीतलता होती है, और जहाँ शीतलता होती है वहाँ बादल वर्षा करते हैं। वर्षा से सूखी धरती हरी भरी हो जाती है और सभी पोखर तालाब पानी से भर जाते हैं। खुशहाली के उपहार है पेड़, खुशहाली के द्वार है पेड़। स्वस्थ बनते श्रम हर लेते, हम फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते, करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। सरलार्थ। पेड़ का महत्व बताते हुए कवि लिखता है कि वास्तव में पेड़ खुशहाली के प्रवेश द्वार होते हैं। पेड़ धरती द्वार दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, अर्थात पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध हवा और वस्तुओं से हम स्वस्थ रहते हैं। पेड़ हमारी थकान भी दूर कर देते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल और मेवे मिलते हैं, जिनसे हम संपन्न भी बनते हैं। पेड़ वास्तव में सबका हित, सबकी भलाई करते हैं और उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। वास्तव में पेड़ सेवा के अवतार है, जिनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना होता है।